सहारा प्रणाम। लोकसभा चुनाव की बौछार शुरू हो चुकी है, चुनाव शुरू हो चुका है, ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने भी कमर कस ली है। सहारा समय की खास पेशकश में इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रजत सिन्हा है, संजीव सिंह है और प्रदीप कुमार बागी है। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि ये लोकसभा चुनाव बहुत ही अहम होने जा रहा है सभी राजनीतिक दलों के लिए। जहां एक तरफ इंडिया गठबंधन है, वहीं एक तरफ एनडीए है, ऐसे में क्या इस बार का चुनावी समीकरण रहेगा, इस सभी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। और जो पहले चरण में 8 सीटों पर चुनाव होना है, उन 8 सीटों पर भी हम पूरा का पूरा एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं रजत जी के पास। रजत जी, ये बताइए क्या तैयारियां हैं? देखिए, अगर मैं तैयारियों की बात करूं तो पहले फेज में 8 सीटों पर चुनाव होना है और जिनके लिए नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। 19 अप्रैल को मतदान होना है। अगर मैं यूं कहूं शब्दों में कि उत्तर प्रदेश की इन 80 लोकसभा सीटों का जो 7 प्रवेश द्वार है, 7 प्रवेश द्वार इसलिए क्योंकि 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उन प्रवेश द्वारों के पहले प्रवेश द्वार की शुरुआत जो है वो पश्चिम से होगी, क्योंकि पश्चिम की 8 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना। ये 8 सीटें कौन सी है? सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत। सबसे बड़ी बात देखिए अलमरा की, इन सारी सीटों पर 2014 का अगर मैं लोकसभा चुनाव की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी ने ये 8 सीटें जीती थी, लेकिन जब 2019 का लोकसभा चुनाव होता है तो यहां पर बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा था। इन 8 सीटों में से 4 सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी जीती थी, 2 पर बहुजन समाज पार्टी जीती थी और 2 पर समाजवादी पार्टी जीती थी। चूंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन भी था, शायद यही वजह थी कि 8 सीटों में से 4 सीटें बीजेपी को गंवानी पड़ी थी। लेकिन इस बार स्थितियां बदली हुई हैं अगर मैं कहूं, क्योंकि इस बार इंडिया के साथ यहां कांग्रेस है, वही एनडीए के साथ राष्ट्रीय लोकदल जुड़ा हुआ है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना खासा दखल रखता है। देखिए, अब हम आएंगे संजीव सिंह के पास। संजीव, ये बताइए नगीना की अगर हम बात करें, बहुत ही अहम सीट है ये, इस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या समीकरण बैठता है? देखिए, अगर नगीना लोकसभा सीट की आप बात कर रही हैं तो मैं बता दूं कि 2009 में जो है, यानी 2008 परिसीमन के बाद 2009 में जो है इसका गठन किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि नाम से ही नगीना, यानी कि जो अंगूठी है वो किसी भी प्रत्याशी पे फिट नहीं बैठती है। हाँ। किसी एक ही प्रत्याशी पे या जो है उस पे फिट बैठती है, क्योंकि अगर 2009 की बात की जाए तो यहाँ से जो है समाजवादी पार्टी जो है विजयी हुई थी। इसके अलावा अगर 2014 की बात की जाए तो बीजेपी से बलवंत सिंह ने वो अंगूठी पहनी थी। अगर 2019 की बात की जाए तो बीएसपी से गिरीश चंद ने जो है उनके हाथों की ये शोभा बढ़ी थी। और आपको बताना चाहूंगा कि नगीना जो है सुरक्षित सीट है और यहाँ पर करीब 16 लाख जो है मतदाता हैं, जिसमें कि मुस्लिम वर्ग बाहुल्य एरिया ये कहा जा सकता है। इसके अलावा दूसरे नंबर की अगर बात की जाए तो अनुसूचित जाति के लोग जो है इस पे आते हैं। यही कारण है कि जो पार्टियां हैं उन्होंने हर चीज को देखते हुए अपने प्रत्याशी को उतारा है। अगर बीजेपी की बात की जाए तो ओम प्रकाश जी को उतारा उन्होंने प्रत्याशी के रूप में। अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो पूर्व न्यायाधीश हैं विजय कुमार, जिन्होंने कुछ समय पहले ही बीआरएस ले लिया था। अगर वही बीएसपी की बात की जाए तो अभी जो है प्रत्याशी के नाम की तो घोषणा नहीं हुई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि सुरेंद्र पाल को जो है वो अपना प्रत्याशी घोषित कर सकते हैं। और सबसे छोटी चीज आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि नामांकन जो है 20 मार्च से शुरू हो चुका है और अभी तक जो है 3 नामांकन पत्र यहां से खरीदे जा चुके हैं। लेकिन इस बार जो है किसके हाथ में वो अंगूठी जो है जाके उंगली में बैठेगी ये अभी तय नहीं है, क्योंकि जो मतदाता है वो हर बार जो है चेंज करते रहते हैं। जैसे कि मैंने बताया, कभी समाजवादी पार्टी को तो कभी भारतीय जनता पार्टी को और कभी बीएसपी को। और सबसे बड़ी चीज ये भी है कि जो भी प्रत्याशी जीते हैं, अगर भाजपा की बात की जाए तो बलवंत सिंह उनको अभी इस बार रिपीट नहीं किया गया है। इसके अलावा अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो वो भी जो है नए जो प्रत्याशी विजय कुमार उनको चुनावी मैदान में लोकसभा के उतारा है। अगर बीएसपी की बात की जाए तो बीएसपी से अभी फिलहाल नाम की घोषणा नहीं है, लेकिन जिस तरह से सुरेंद्र पाल के नाम की बात चल रही है, यानी कि जो गिरीश चंद पिछले अगर लोकसभा सीट की बात की जाए तो वो जो सांसद उनको इस बार चुनावी मैदान में नहीं उतारा गया है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि जो पार्टियां हैं उन्होंने भी जो है प्रत्याशियों को बदल दिया है। देखिए, बीजेपी इन 8 सीटों पर काफी मेहनत करेगी, क्योंकि इन 8 सीटों पर पिछले लोकसभा चुनाव में 4 सीटें ही बीजेपी के खाते में रही थी, 2 बसपा के, 2 सपा के खाते में रही थी। हमारे साथ प्रदीप है। प्रदीप, कैराना की जो सीट है वो बीजेपी का ही गढ़ रहा है, 2014 की बात करें, 2019 की बात करें, ऐसे में अभी क्या राजनीतिक समीकरण? देखिए, 2019 में प्रत्याशी और थे
और 2014 में प्रत्याशी और थे, इस समय फिर रिपीट किया गया प्रत्याशी। प्रत्याशी रिपीट करने का मतलब कि कंफर्म है कि सीट निकल रही है। और सबसे बड़ी खास बात अगर हमारा कहें हम लोग तो आरएलडी के आने के बाद, क्योंकि पश्चिमी में आरएलडी का बहुत बड़ा दबदबा रहता है, बहुत बड़ा वोट बैंक है, आरएलडी इनके साथ आ गया है तो भाजपा की सीट लगभग कंफर्म हो चुकी है। लगातार उनके प्रत्याशी जो है देखा जाए तो रिपीट किया है, तो प्रत्याशी ने कुछ काम किया है वहाँ पे क्षेत्र का। इसके अलावा हम आपको बता दें कि केवल प्रत्याशी की बात नहीं की जाएगी, लोकसभा का चुनाव है, पूरे देश के समीकरण देखे जा रहे हैं, चाहे राम मंदिर हो, चाहे बेरोजगारी हो या रोजगार हो, किसानों का जो आमदनी बढ़ा है इस पे भी चर्चा की जा रही है। केवल एक सीट को हम लेकर बात नहीं करेंगे, पूरे देश की समीकरण बनाई जाती है, रिजल्ट बनाया जाता है तब वोट दिया जाता है। और वोट प्रत्याशी को कौन नहीं दिया जाएगा, पार्टी को दिया जाएगा, नरेंद्र मोदी जी के नाम से चुनाव लड़ा जा रहा है। देखिए ये बात बिल्कुल सही की, राम मंदिर कितना प्रभाव डालेगा ये भी इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। लेकिन सहारनपुर एक अहम सीट है, बीजेपी के लिए भी अहम रही है, सपा के लिए भी अहम है, और कांग्रेस सपा गठबंधन में लड़े, बसपा भी सहारनपुर पे दाव खेल रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सहारनपुर सीट निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि सहारनपुर सीट पर वर्तमान में जो सांसद है वो बीएसपी के हाजी फजूर रहमान है, और पिछले चुनाव में ये सीट भाजपा ने खोई थी क्योंकि 2014 में सीट उसके पास थी। कहीं ना कहीं जो बीजेपी की रणनीति है उत्तर प्रदेश को लेकर के, कि जो हारी हुई सीटें हैं उन सीटों को कैसे जीता जा सके, उन पर कैसे विजय हासिल कर जा सके, और यही वजह है कि पहले फेज का नामांकन शुरू हो गया है लेकिन सहारनपुर से बीजेपी ने अभी अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। चूंकि इंडिया गठबंधन के तहत ये सीट कांग्रेस के पास गई है, सहारनपुर सीट पर कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा, और अभी कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी की घोषणा आज तक तो नहीं की है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है क्योंकि सहारनपुर में एक कद्दावर चेहरा इमरान मसूद है, तो इमरान मसूद को कांग्रेस प्रत्याशी बना सकती है और वो मजबूती से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ से अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है माजिद अली के रूप में, तो ये कह सकते हैं कि दो मुस्लिम उम्मीदवार सामने होंगे, एक अगर इमरान मसूद को टिकट मिलता है कांग्रेस से इंडिया गठबंधन के तहत, तो दूसरी तरफ से बसपा के माजिद अली को। लेकिन ये अगर देखें ओवरऑल समीकरण सहारनपुर के देखे जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी मतदाता हर बार अपना जो सांसद होता है वो बदल देते हैं, क्योंकि मुस्लिम बाहुल इलाका है सहारनपुर माना जाता है, एक पूरी बेल्ट लगी हुई है, इसीलिए इमरान मसूद एक कद्दावर नेता माने जाते हैं पश्चिम में, खासतौर पर सहारनपुर के। तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो कांग्रेस की लिस्ट आने वाले एक दो दिन में आने वाली उसमें सहारनपुर से इमरान मसूद को टिकट मिल सकता है। अलमरा एक सवाल और भी मेरा आपसे भी बनता है कि जब बाई इलेक्शन रामपुर के हुए थे तो ये सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली थी, और रामपुर से चूंकि 2019 का चुनाव हुआ था उसमें आजम खान चुनाव जीते थे, लेकिन जब बाई इलेक्शन हुआ तो घनश्याम लोधी बीजेपी के जीते, इस बार आप क्या देख पा रही है रामपुर, मेरा सवाल आपसे। देखिए अगर हम रामपुर की बात करें तो 2014 का अगर हम समीकरण देखें, 2014 में रामपुर से नेपाल सिंह जीते थे, उसके बाद 2019 में सपा से आजम खां जीते थे। देखिए रामपुर में आजम खां का वर्चस्व है, उनके परिवार का वर्चस्व है, सबसे बड़ी चीज यह है आजम खां जेल में है, वो चुनाव लड़ नहीं सकते हैं, ऐसे में रामपुर की सीट समाजवादी पार्टी या यू कहें कांग्रेस समाजवादी गठबंधन के लिए काफी अहम मानी जा रही है। अब रामपुर पे अभी तक अखिलेश ने टिकट नहीं दिया है, अभी तक कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, लेकिन रामपुर की सीट कहा यह जा रहा है कि अखिलेश आजम की हामी का इंतजार कर रहे हैं कि कौन सा कैंडिडेट आजम को पसंद आता है, शायद यही वजह है कि रामपुर अभी तक डिक्लेयर नहीं हो रहा है। लेकिन रामपुर पर बीजेपी भी दाव खेल रही है, इस बार जो आठों के आठों सीट है ना उस पर बीजेपी पूरा दाव खेलेगी, कोशिश यही करेगी कि पूरे आठों के आठों सीट वो अपने कब्जे में कर ले। लेकिन इस बार सहारनपुर काफी मुश्किल लग रहा है। अगर हम रामपुर की बात करें, रामपुर में अभी प्रत्याशी नहीं घोषित किया गया, रामपुर का प्रत्याशी घोषित होना है। देखिए इसी के साथ साथ जो चर्चा चल रही है ना, चर्चा काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो आठ सीटें काफी अहम है, पश्चिम की सीटें हैं, ऐसे में अब हम बात करेंगे आगे और ज्यादा सीटों की, और जो सीटें बची हैं उनमें क्या समीकरण बैठते हैं। फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं अपनी सहयोगियों के साथ। देखिए आरएलडी एक बहुत बड़ा तुरप का इक्का है बीजेपी के लिए। देखिए आरएलडी जिस तरीके से पिछला चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ लड़ा था, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था, लेकिन इस बार आरएलडी बीजेपी के साथ आ गया है। ऐसे में बीजेपी ने देखिए उनको राज्यसभा में भी सीट दे दी, उनको विधान परिषद में भी सीट दे दी, तो बीजेपी जो वेस्टर्न यूपी यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो किसान लुभाने वाला है वो आरएलडी पे दाव खेल रही है। ऐसे में मुजफ्फरनगर सबसे अहम सीट होती है। प्रदीप सिंह हमारे साथ है, प्रदीप जी ये बताइए मुजफ्फरनगर बहुत अहम सीट है, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे मुजफ्फरनगर के बारे में, क्या राजनीतिक समीकरण है? देखिए पहले चरण में मेन चीज देखा जा रहा है पश्चिमी क्षेत्र में हो रहा है, तो पश्चिमी क्षेत्र जो आठ सीटों पर चुनाव लड़े हो रहे हैं, इस चुनाव में सबसे खास बात होगा किसान का मुद्दा।
किसान को साटने जोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आरएलडी को अपने साथ लिया है, आरएलडी को इतनी सारी सुविधाएं दे दी हैं, इतने मंत्री बना दिए हैं, विधान परिषद में जगह दे दिया, जगह जगह उनको समय दिया है, और उनको लाने के साथ साथ किसानों को कैसे जोड़ा जाएगा ये उनकी जिम्मेदारी है, आरएलडी के ऊपर जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दीजिए, सीट की बात करें, मुजफ्फरनगर की बात कर रहे हैं आप, मुजफ्फरनगर लगातार दो बार से भारतीय जनता पार्टी की सीट है, लेकिन जो रनर सीट रहा है वो आरएलडी का रहा है। आरएलडी सिर्फ 6000 वोटों से हारा था, वहां पे संजय पालीवाल ने जीत दी थी, अब मात्र 6000 वोट से आरएलडी अब इनके साथ है, तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी मार्जिन होगी। इस बार मार्जिन भारतीय जनता पार्टी की वहां बढ़ने वाली है। हालांकि किसान बहुत नाराज है, दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसी बात को मैनेज करने के लिए आरएलडी को अपने साथ जोड़ा गया है। आरएलडी का जुड़ने से भारतीय जनता पार्टी को बहुत फायदा मिलेगा। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात करें, समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बदल दिया है, प्रत्याशी बदलने से कुछ चेहरा अंतर आएगा, लेकिन जिस तरह से अरल्डिन के साथ आया है उनका अंतर आएगा। उसके अलावा क्योंकि वो किसानी क्षेत्र है, किसान पे एमएसपी की लड़ाई भी चल रही है, इसके पहले भी चुनाव के पहले वहाँ पे किसान का लड़ाई हुआ था जिसमें धर्म कानून वापस लिया गया था, लेकिन इस बार अभी भी एमएसपी की लड़ाई चल रही है, किसानों को मनाना बहुत ही मुश्किल है लमरा। लेकिन संजीव बालियान वहाँ से दो बार सांसद रहे हैं, ऐसे में आपको लगता है कि मजबूती दावेदारी ठोक सकते हैं? देखिए, लगातार संजीव बालीवाल 2014 में भी रहे, 2019 में भी रहे, प्रत्याशी नहीं बदले, इसका मतलब है कि उनके विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया है, और आरएलडी का जो रनर सीट रहा है, रनर अजीत सिंह रहे हैं, वो अब इनके विरोध में नहीं होंगे, इनके साथ होंगे, इनके समर्थन में होंगे, तो कहीं ना कहीं ये वोट बैंक फिर से एक बार जुट होगा और वोट भारी मतों से जीत होने की उम्मीद है। बिल्कुल, बिजनौर बहुत अहम सीट है, बिजनौर इस वक्त बसपा के पास है, याद रखिए मौजूदा जो सांसद है वो बसपा के। संजीव ये बताइए, बिजनौर भी बहुत अहम सीट होती है, तो ये जो अभी जो 8 सीटों पे चुनाव है उसमें बिजनौर बहुत अहम सीट है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, कहा जा सकता है जिस तरह से अभी मैंने बात की थी नगीना सीट की, तो बिजनौर से ही कट के जो है नगीना बनाया गया है, और बिजनौर भी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अहम है। यहाँ से जो है राष्ट्रीय लोकदल के जो प्रत्याशी हैं उनको उतारा गया है, भाजपा ने उतारा है, और उन प्रत्याशी की बात की जाए चंदन चौहान है। अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो यशवीर सिंह को जो है उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा है, जो कि सांसद भी रह चुके हैं। इसके अलावा अगर बीएसपी की बात की जाए तो यहाँ से जो है चौधरी विजेंद्र सिंह को प्रत्याशी उतारा है। अगर इससे पहले यानी कि 2019 की बात की जाए तो बीएसपी जो है के कब्जे में ये सीट रही है, यहाँ से मलुक नागर रहे हैं, लेकिन उनको रिपीट बीएसपी ने नहीं किया है। इसके अलावा अगर 2014 की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के पास ये सीट रहा है, यानी कि जब मोदी लहर थी, और उस समय जो है कुंवर भारतेंदु जो है यहाँ से लोकसभा के सीट पर काबिज हुए थे। लेकिन सबसे बड़ी चीज, जिस तरह से बीजेपी ने भी जो है रिपीट नहीं किया है, इसके अलावा ये कहा जा सकता है कि बीएसपी ने भी नए प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतार दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस सीट पे फिर कब्जा पाना चाह रही। यही कारण है कि राष्ट्रीय लोकदल को जो है उन्होंने प्रत्याशी को अपना उम्मीदवार बनाया है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल का पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो काफी पैठ उसमें है, और जिस तरह से अभी चौधरी चरण सिंह की भी बात की कर सकते हैं कि जिस तरह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया, उसके बाद जो है किसानों के मन में जो है भाजपा को लेकर काफी ज्यादा जो है उत्साह भी है, तो हो सकता है कि जो मतदाता है वो उधर भी जा सकते हैं। तो यानी ये कहा जा सकता है कि कांटे की इस सीट पर लड़ाई हो सकता है कि बीएसपी के भी जीत सकते हैं, समाजवादी पार्टी जो है जो सांसद रह चुके हैं उनको अपना प्रत्याशी बनाया है, और भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय लोकदल पे विश्वास किया है, क्योंकि 2019 की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी, इसके अलावा कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल जो है समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और इसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल ने मिलकर जो है ये चुनाव को लड़ा हुआ था, जिसमें कि बीएसपी को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ था, लेकिन रालोद को लोकसभा में बहुत ज़्यादा कोई भी सीटें नहीं मिली थी। समाजवादी पार्टी को जरूर ये था कि कुछ सीटें मिली थी, लेकिन जितनी उपेक्षा थी उतनी उपेक्षा ना मिलके बल्कि उससे ज़्यादा बीएसपी को जो है लोगों ने उनके बीएसपी पे ज़्यादा जो है अपना ये कह सकते हैं कि दाव खेला है। तो ऐसे में जो है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि लगातार ये नारा दिया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की 80 के 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहेगी कि उसके हाथ से कोई भी सीट फिसले, और यही कारण है कि वो जो भी प्रत्याशी को उतार रहे हैं बिल्कुल उनका ये देख रहे हैं कि क्या उनकी पैठ है मतदाताओं में, क्योंकि अगर
बिजनौर सीट की बात की जाए तो यहाँ पे भी मिला जुला ये कह सकते हैं मतदाता है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र भी है, तो ऐसे में हर चीज को देखा जा रहा है कि कैसे जो है किसानों को भी जो है अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता है या फिर जो जनता की समस्या होती है, क्योंकि विकास लोकसभा की अगर बात की जाए चुनाव में तो विकास का मुद्दा बहुत अहम मुद्दा होता है और उत्तर प्रदेश में अगर विकास की बात की जाए तो विकास तो हो रहा है लेकिन क्या जनता की जो जनता चाह रही है उस हिसाब से जो है विकास हो रहा है, अब ये तो लोकसभा चुनाव में पता चल पाएगा। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी तक जो है 8 जो है नामांकन पत्र खरीदे गए हैं और कल की बात की जाए यानी कि 20 मार्च से जो है नामांकन शुरू हुआ है, अभी तक कोई भी नामांकन नहीं किया गया है। आज ये माना जा रहा है कि एक दो लोग नामांकन कर सकते हैं लेकिन ये भी मैं कहूँगा कि अभी बहुत से ऐसे भी जो प्रत्याशी हैं वो ये चाहेंगे कि कल या परसों जो है वो अपना नामांकन कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए देश का चुनाव है, सबसे बड़ा चुनाव है, ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। देखिए फाइनल एग्जाम्स हैं ये और फाइनल में हर कोई चाहता है डिस्टिंक्शन से पास होना और अभी तक फिलहाल बीजेपी डिस्टिंक्शन लेकर आ चुकी है पिछले लोकसभा चुनाव में, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन है, एनडीए है। ऐसे में रजत जी आप ये बताइए, ये जो चुनाव है काफी अहम है, ये 8 सीटों पर यानी कि 4 ही पे काबिज हो पाई थी, अभी कोशिश करेंगे कि आठों सीटें ले ले, मैनेजमेंट बड़ा तगड़ा होता है बीजेपी का। देखिए निश्चित तौर पर बीजेपी के बारे में कहा जाता है कि बीजेपी की तैयारी चुनाव दर चुनाव होती है, एक चुनाव खत्म होता है बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, जो संगठन है वो दूसरे चुनाव की तैयारी में जुट जाता है। निश्चित तौर पर बीजेपी की जो रणनीति है इस बार ये कि जो हारी हुई 14 सीटें थी उन सीटों को कैसे जीता जा सके और उसके लिए एक अलग से रणनीति भी उन्होंने बनाकर रखी हुई है और लगातार उसी रणनीति पर काम हो रहा है। निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि चूंकि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में मोदी सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है और संगठन भी बीजेपी का काफी मजबूत दिखता है, पार्टी कार्यकर्ता भी कह सकते हैं कि पूरी तरह से दिशा निर्देशों का पालन करते हैं और बूथ स्तर तक कमेटियों का गठन भारतीय जनता पार्टी ने कर रखा है। कहीं ना कहीं कोशिश है डबल इंजन सरकार के जो काम है, जो मोदी सरकार के पिछले 5 साल के काम है और योगी सरकार के दूसरे टर्नओवर को मिलाकर के जो पिछले 6.5 साल के काम है, वो जनता के बीच ले जाने की कोशिश है और लगातार पार्टी इस दिशा में काम भी कर रही है कि मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में क्या किया है देश की जनता के लिए और योगी सरकार ने पिछले 6.5 साल में क्या किया उत्तर प्रदेश की जनता के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी के पास दिखाने के लिए और बताने के लिए बहुत कुछ है। हालांकि विपक्ष के पास तमाम मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी उसके पास उसने पिछले 10 साल में क्या किया मोदी सरकार ने, क्या किया योगी सरकार ने, ये बताने के लिए बहुत है। अगर मैं ओवरऑल राजनीतिक समीकरणों की बात करूं खासतौर पर फर्स्ट फेज की, फर्स्ट फेज में जिन 8 सीटों पर चुनाव होना है, सबसे महत्वपूर्ण सीट अलमरा नजर आ रही पीलीभीत सीट। बीजेपी अब तक दो चरणों के प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है, यानी कि दो बार में उनकी लिस्ट आ चुकी है, लेकिन पीलीभीत की लिस्ट अभी नहीं आई है कि पीलीभीत में प्रत्याशी कौन होगा। पीलीभीत से वर्तमान सांसद है वरुण गांधी, लेकिन टेंशन बरकरार है वरुण गांधी को लेकर के, क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी ने पीलीभीत से सीट डिक्लेयर कर दी, लोगों को लग रहा था अगर बीजेपी से नहीं मिला तो समाजवादी पार्टी का दामन थामेंगे, ऐसे में क्या लगता है कम बहुत मुश्किल है। देखिए निश्चित तौर पर जितना देर होती जा रही है उतना कहीं ना कहीं जो प्रत्याशी है, जो वर्तमान सांसद ही क्यों ना हो वरुण गांधी, उनके लिए तनाव तो बढ़ ही रहा है। ये कह सकते हैं कि अब चूंकि समाजवादी पार्टी ने भगवत शरण गंगवार को प्रत्याशी बना दिया है, बसपा ने अनीस उर्फ फूल बाबू को, हाथ से अपना अनीश अहमद खान उर्फ फूल बाबू को प्रत्याशी बना दिया है और भाजपा ने अपने पत्ते नहीं खोले, जबकि पहले फेज में चुनाव होना है, 19 अप्रैल को मतदान होना है और नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हम पीलीभीत पे ही चर्चा करेंगे लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं इस चुनावी चर्चा में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, हम चर्चा कर रहे थे पीलीभीत पर, वरुण गांधी से आला कमान नाखुश नजर आ रहा है, बयानबाजी भी करते नजर आ रहे थे। ऐसे में वरुण गांधी कहा जा रहा है कि पर्चा खरीदते हुए उन्होंने खरीदे हैं, मंगाए हैं नॉमिनेशन के लिए, क्या उनको ऊपर से आदेश हो गया है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि सपा तो गई, अब इंडिया गठबंधन से तो चुनाव नहीं लड़ सकते, ऐसे में उनके पास सिर्फ यही पार्टी बची है, अब ये भी टिकट नहीं देती तो क्या होगा। देखिए अलमरा बहुत अच्छा सवाल है कि अगर भाजपा भी टिकट नहीं देती, और जैसा कि पार्टी सूत्र बता रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही मेनका गांधी जो है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और जो गृहमंत्री अमित शाह उनसे मिली थी, कहीं ना कहीं ये बात सामने आ रही है छन करके कि पार्टी इस बार केवल मेनका गांधी को ही टिकट देने के मूड में है, चूंकि वो सुल्तानपुर से सांसद है, उन्हें ही रिपीट किया जा सकता है, लेकिन ये भाजपा है, ऐन मौके पर कुछ भी हो सकता है। ये बात भी सही है कि इंडिया गठबंधन ने अपना प्रत्याशी भगवत शरण गंगवार के रूप में दे दिया है,
अनीस अहमद खां और फूल बाबू के रूप में बसपा ने अपना प्रत्याशी दे दिया है। बीजेपी का प्रत्याशी अभी डिक्लेयर नहीं हुआ, जबकि बीजेपी का वहां से वर्तमान सांसद है। 2014 में भी ये सीट बीजेपी के पास रही थी, 2019 में भी बीजेपी के पास है और बीजेपी निश्चित तौर पर चाहेगी कि 2024 में भी ये सीट बीजेपी के पास रहे। लेकिन वरुण गांधी को टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से आने वाले एक दो दिनों में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें एक संभावना जताई जा रही है कि जो बाकी बची हुई 25 सीटें उत्तर प्रदेश की, उनके नामों की घोषणा हो जाएगी। तो ये साफ तस्वीर साफ हो जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी को के वरुण गांधी को पीलीभीत से टिकट मिलता है नहीं मिलता है, उनका पत्ता कटता है कि नहीं कटता। लेकिन फिलहाल जो सूत्र बता रहे हैं कि इस बार उनका टिकट मिलना उनको बहुत मुश्किल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये भी ध्यान रखे कि अगर उनका टिकट कटता है तो जो शीर्ष नेतृत्व है उसकी कोशिश होगी कि जिस भी प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाए कम से कम वो चुनाव जीतने की स्थिति में हो और जो नाराजगी है वो ना हो। कहीं ना कहीं वरुण गांधी पिछले 5 सालों में मोदी सरकार को लेकर के हमलावर भी रहे, जैसा आपने कहा, कहीं ना कहीं बयानबाजी भी करते रहे, किसानों के फेवर की बात करते रहे, स्थानीय मुद्दों पर वो बयानबाजी करते रहे, चाहे वो योगी सरकार हो चाहे मोदी सरकार हो। लेकिन अगर देखें ओवरऑल देखें, 8 में से 4 सीटें थी, बाई इलेक्शन होता है रामपुर का, एक सीट भाजपा और जीतती है, तो कह सकते हैं कि 5 सीटें भाजपा के पास है। 3 सीटें अभी भी भाजपा के पास नहीं, जबकि 2014 में 8 सीटें भाजपा के पास थी। तो कोशिश तो भाजपा की यही होगी कि सारी सीटें जीत सके, लेकिन इंडिया गठबंधन को भी कम करके आका नहीं जाना चाहिए। जिस तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है, उस गठबंधन में जिस तरीके से प्रत्याशी सामने आ रहे हैं, सारे प्रत्याशी ऐसे हैं जो अभी तक आए हैं जिनका स्थानीय स्तर पर काफी प्रभाव माना जाता है, चाहे वो इमरान मसूद हों जो सहारनपुर से आते हैं, उनका अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। तो गठबंधन के साथ साथ प्रत्याशी भी मजबूत है, तो चुनौती निश्चित तौर पर जो एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी होंगे उन्हें मिलती नजर आएगी। ये आप देखिएगा, निश्चित तौर पर लड़ाई बड़ी दिलचस्प होने वाली है और पहले फेज का चुनाव ही बताएगा कि जो पश्चिम से लहर उठेगी वो पूरब तक जाएगी कि नहीं जाएगी। बिल्कुल, पश्चिम से जो लहर उठेगी वो पूरब तक जाएगी कि नहीं जाएगी। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है, राहुल गांधी की जो पदयात्रा यानी कि राहुल गांधी की जो यात्रा है वो कितना माइलेज देती है। देखिए, पूरे भारतवर्ष में साउथ में उन्होंने केटर कर लिया है अपने वोटर्स, यानी कि साउथ में उन्होंने अपना दबदबा बना रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर नजर राहुल गांधी की भी है, ऐसे में वो किस तरीके से इन सीटों पर अपना दाव खेलेंगे। सबसे बड़ी चीज मुरादाबाद, मुरादाबाद एक सबसे अहम सीट है। मुरादाबाद में अभी तक इंडिया गठबंधन और एनडीए ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे। 2014 में सर्वेश कुमार सिंह वहां से विनर रहे थे और 2019 में वहां से एसटी हसन रहे थे। देखिए, एसटी हसन का नाम अभी तक अखिलेश यादव ने अभी तक लिस्ट आउट नहीं करी है, उसमें मुरादाबाद का टिकट डिक्लेयर नहीं किया है। क्या वजह है? क्योंकि एसटी हसन का वहां पे उस जगह पे दबदबा है, वहां पे मुस्लिम वोटर्स अच्छे खासे हैं। तो ऐसे में अखिलेश यादव किस तरीके से इस सीट को देखते हैं, क्योंकि अहम सीटें, देखिए ये इंडिया गठबंधन के लिए ये आठों के आठों सीटें बहुत अहम है। जहां 2 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी, आप कोशिश ये रहेगी कि इन 8 सीटों पर दबदबा बनाए रखे, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो एनडीए हो। लेकिन ये जो चुनावी बयार है ना, इसका शुरुआत जब हो जाएगी ना, उसके बाद पता चलेगा, क्योंकि पहले चरण में 8 सीट है, दूसरे चरण में 8 सीट है। हमारे साथ संजीव सिंह है। संजीव, ये बताइए जल्दी से कि इस पूरे ओवरऑल चुनाव को आप किस नजरिए से देखते हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि जनता उन पर वोट देगी? देखिए, लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के चुनाव में विकास जो है अहम मुद्दा होता है। और जिस तरह से हमारे सहयोगी रजत सिन्हा भी बता रहे थे कि डबल इंजन की सरकार, उनका दावा तो ये जरूर है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा ही विकास किया है। लेकिन अब सबसे बड़ी चीज ये भी है कि जनता जो है इसका रिजल्ट बताएगी कि क्या वाकई में जो है जो विकास कार्य हुए हैं उससे वो संतुष्ट हैं या फिर नहीं, ये तो चुनाव में ही पता चल पाएगा। अगर 2019 की बात की जाए, उपचुनाव की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लोकसभा के उपचुनाव की बात नहीं कर रहा, 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था 8 सीटों पे, जो बात आप कर रही हैं उनमें से 3 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी काबिज रही, 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो है काबिज रही थी। अब ऐसे में बहुजन समाज पार्टी भी ये चाहेगी कि वो कम से कम 4 पे नहीं तो कम से कम 3 सीटों पे काबिज रहे, समाजवादी पार्टी भी चाहेगी और भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से लक्ष्य भी है और कम से कम 3 सीटों पे तो उसको काबिज रहना ही है। और लेकिन जिस तरह से राष्ट्रीय लोकदल को उन्होंने अपने साथ जोड़ रखा है, यानी कि एनडीए के घटक दल में वो आ गए हैं, तो इससे ये कहा जा सकता है, आकलन किया जा सकता है कि उनकी सीटों में इजाफा भी हो सकता है। लेकिन
अगर पश्चिम की बात की जाए, जैसा मैंने बताया विकास का मुद्दा, किसानों की जो समस्याएं हैं, क्योंकि किसान की समस्या को लेकर लगातार जो है राष्ट्रीय लोकदल विरोध भी कर रहा था और किसान नेता भी जो है उसका विरोध कर रहे थे कि उनकी जो समस्याएं हैं उनको माना नहीं जा रहा है। तो अब ऐसे में ये देखना होगा कि ठीक है, बहुत सी चीज़ों के MSP भी बढ़ा दी गई, कुछ चीज़ें संतुष्ट किया गया है किसानों को, लेकिन क्या इससे किसान जो है अपने आप को संतुष्ट मान रहे हैं? उनकी जो समस्याएं हैं क्या उनका निदान हो पा रहा है? जो बैंक का ऋण था वो भी माफ़ करने की बात कही गई है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो किसानों के हित में फैसला सरकार ने लिया है, लेकिन अब देखना ये होगा कि इस चुनाव में, यानी कि 2024 का जो लोकसभा का ये चुनाव हो रहा है, जो किसान है या फिर वहाँ की जो जनता है वो किस को वोट देती, किस करवट बैठती है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बसपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था और बसपा को फायदा हुआ था और 10 सीटें बसपा के खाते में गई थी और केवल 5 सीटें ही समाजवादी पार्टी के खाते में आई थी। ऐसे में अब कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ी है, 17 सीटें कांग्रेस को दे रखी है, 63 सीटें समाजवादी पार्टी के पास है। प्रदीप सिंह हमारे साथ है। प्रदीप, ये बताइए, चाहे मुद्दा राम मंदिर का हो चाहे ज्ञान व्यापी का हो, क्या ये मुद्दे वोट बीजेपी को दिला पाएंगे? बिल्कुल, राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का माना जाता है और पूरे देश में, पूरे विश्व की अगर बात करें तो विश्व में चर्चा है राम मंदिर की। तो राम मंदिर एक बहुत बड़ा कामयाबी है जो कि इतने दिनों से टल रहा था और अब उसका उद्घाटन हो गया, लोग दर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि सबसे बड़ी चाहत राम मंदिर में जब उद्घाटन हुआ तो प्रधानमंत्री खुद वहाँ लगातार बने रहे और हमेशा इस बात को कहे कि राम मंदिर सबका सपना था, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा मुद्दा था। इसके अलावा बेरोजगारी इस बार विपक्ष को अच्छा मुद्दा मिला है, पेपर लीक विपक्ष को अच्छा मौका मिला है, किसान जो लड़ाई चल रही है MSP की वो बड़ा मुद्दा है। देखिए अगर महंगाई की बात करें तो महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, विपक्ष इस बात को कितना भुना पाती है ये देखने की बात होगी। इसके अलावा हम अगर बात करें तो सबसे अहम बात आ रही है कि विपक्ष कितना मजबूत है, विपक्ष अगर मजबूत नहीं है तो पार्टी वैसे ही बहुत सही बात बोली कि इस बार जो मुद्दे हैं ना, देखिए उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुआ, राजस्थान में पेपर लीक हुआ, तो जो स्टूडेंट्स हैं बहुत ज्यादा तादाद में, जो स्टूडेंट्स हैं जिनका भविष्य इस वक्त कहीं ना कहीं अधर में अटका हुआ है, वो वोट किसको देते हैं? ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा। ज्ञान व्यापी बड़ा मुद्दा है, राम मंदिर बड़ा मुद्दा है, यानी कि ये सारे के सारे आस्था, राम मंदिर ज्ञान व्यापी आस्था का मुद्दा है। राजा जी, आस्था का मुद्दा, आस्था पे वोट होता है? निश्चित तौर पर देखिए आस्था पर वोट होगा और बीजेपी कहती है कि वो जो कहती है वो करती है। राम मंदिर लगातार बीजेपी कहती रही कि वो आस्था का विषय था और राम मंदिर का खुद अभी आपने देखा कि 22 जनवरी को किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मूर्ति का वो किया और उसके बाद लगातार अयोध्या में जो भक्तों की भीड़ है वो केवल उत्तर प्रदेश से ही नहीं पूरे देश से आ रही है, विदेशों से आ रही है। तो मुद्दा तो आस्था का जरूर होगा, लेकिन चूंकि लोकसभा का चुनाव है तो कहीं ना कहीं जो विकास की बातें होंगी, जैसे हमारे सहयोगी संजीव सिंह कह रहे थे कि विकास भी एक बड़ा मुद्दा होता है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, और वोटर भी अलग तरीके से वोट करते हैं। इसको समझना होगा कि उत्तर प्रदेश का जब चुनाव होता है तो वोटर की सोच अलग होती है, पर जब राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में लोकसभा का चुनाव होता है तो वोटर की सोच अलग होती है कि उसे राष्ट्रीय स्तर पर कैसे फायदा मिल सकता है, उसकी लोकसभा को उसे कैसे फायदा मिल सकता है, क्या क्या विकास सांसद करा सकता है, क्या क्या विकास एक विधायक करा सकता है। तो ये मुद्दे भी काफी प्रभावी होंगे। लेकिन निश्चित तौर पर देखिए, मैंने पहले भी कहा कि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार अपने किए गए कामों को लेकर के आगे बढ़ेगी, वहीं विपक्ष तमाम मुद्दों को लेकर के सरकार को, चाहे वो मोदी सरकार हो चाहे योगी सरकार हो, हालांकि विधानसभा के चुनाव नहीं है लेकिन डबल इंजन की सरकार कही जा रही तो उसे घेरने की कोशिश भी करेगी। अब जनता को अलमरा यह तय करना होगा कि उसका रुख किस तरफ जाता है, लेकिन एक बात तो तय है कि पूरब से जो लहर उठेगी वो पश्चिम से जो लहर उठेगी वो पूरब तक जाएगी और पूरे उत्तर प्रदेश और देश में फैलेगी। बिल्कुल, देखिए इस चर्चा से ये तो समझ में आ गया कि जो 8 लोकसभा की जो सीट्स हैं जिसमें पहले चरण पे मतदान होना है वो काफी अहम है। जहां एक तरफ बीजेपी और सहयोगियों के पास राम मंदिर और ज्ञान व्यापी जैसा मुद्दे, वहीं दूसरी पार्टी और कांग्रेस सहयोगियों के पास रोजगार, यानी कि जो बेरोजगारी है वो सबसे बड़ा मुद्दा है।